गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आई होप यू ऑल आर फाइन आई एम योर एस एस टी टीचर एंड टूडे वी रीड आवर एस एस टी चैप्टर सेकेंड एंड आवर चैप्टर नेम इज आवर फूड हमारा भोजन ओके तो लेट्स सी स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द नीड ऑफ फूड खाने की जरूरत काइंड ऑफ फूड कितने तरह के खाने होते हैं रो एंड कुक्ड फूड कच्चा और पका हुआ खाना बैलेंस्ड डाइट किस तरीके से हम एक संतुलन भोजन करते हैं सोर्स ऑफ फूड कहाँ से हमारा खाना आता है मील्स ऑफ द डे एक दिन में हमको कितनी बार खाना खाना चाहिए एंड गुड ईटिंग हैबिट्स और अच्छी खाने की आदतों के बारे में वी विल रीड इन दिस चैप्टर इस चैप्टर के हां अंदर हम ये सभी रीड करेंगे ओके तो देखिए नीड आवर फूड यानी कि नीड का मतलब क्या होता है जरूरत तो हमें खाने की जरूरत क्यों होती है ओके तो देखिए वी आर वॉट वी ईट ठीक है हम जो खाते हैं वही होते हैं इज एन ओल्ड सिंग ये एक पुरानी कहावत है इट मीन्स इसका मतलब है एवरी सेल्स हमारी हर कोशिका इन आवर बॉडी जो कि हमारी शरीर के अंदर है क्रिएटेड फ्रॉम द फूड वो क्या करती है खाना बनाती है भोजन बनाती है वी ईट जो हम खाते हैं उससे भोजन बनाती है लेट्स नो मोर अबाउट आवर फूड तो आज हम हमारे चैप्टर में खाने के बारे में और भी बहुत सारी बातों को जानेंगे तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर फूड इज वन ऑफ ओवर बेसिक नीड एफ डब्लू डी फूड आई एस इज ओ एनी वन ओ एफ ऑफ ओ यू आर ओवर बी ए एस आई सी बेसिक बेसिक एंड डब्ल्यू डी नीड्स तो देखिए स्टूडेंट आपका जो ये वर्ड मीनिंग है बेसिक बेसिक का मीन्स होता है हमारा जो साधारण जो जरूरत होती है ना एक आधारभूत जो जरूरत होती है उसको बेसिक कहते हैं तो खाने खाना जो है हमारी एक आधारभूत जरूरत होती है नीड्स का मतलब होता है जरूरत होना ओके एफ डब्ल्यू डी फूड एफ एस फ्यूल ऑवर बॉडी खाना हमें ईंधन देता है ईंधन का मतलब क्या होता है हमें ऊर्जा देता है खाना हमारे शरीर को क्या देता है ऊर्जा देता है ठीक है जैसे बच्चा गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है फ्यूल डालना पड़ता है ना गाड़ी में उसी तरह हमारी बॉडी को चलाने के लिए उसके अंदर क्या डालना पड़ता है यस उसके अंदर फूड डालना पड़ता है खाना डालना पड़ता है ओके अब देखिए We cannot live without food. We का मतलब होता है हम cannot का मतलब होता है नहीं रह सकते live का मतलब होता है रहना without का मतलब होता है बिना food का मतलब होता है खाना तो हम खाने के बिना नहीं रह सकते हैं It is the food that gives us energy. इट इज द फूड यह खाना होता है that, जो की गिव्स देना अस हमको एनर्जी ऊर्जा तो ये खाना ही होता है जो कि हमको ऊर्जा देता है एनर्जी देता है एनर्जी का मतलब क्या होता है ताकत अगर हम खाना नहीं खाएंगे हम फूड ईट नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी और हमको एनर्जी नहीं मिलेगी ताकत नहीं मिलेगी ओके तो देखिए बिल्ड्स ऑवर बॉडी बिल्ड्स का मतलब होता है बच्चा बनाना बी यू आई एल डी एस बिल्टस ऑवर बॉडी एंड कीप्स अ सेफ फ्रॉम डिजीज ठीक है हमारी बॉडी को बनाने के लिए और उसको सेफ रखने के लिए किससे सेफ रखने के लिए डिजीजेस से डिजीजेस का मतलब क्या होता है बच्चा डिजीजेस का मतलब होता है बीमारियां तो हमारी बॉडी को बनाने के लिए और उसको बीमारियों से सेफ रखने के लिए हमें क्या चाहिए वी नीड फूड हमें खाना चाहिए ओके अब देखिए स्टूडेंट दस वी नीड फूड टू अब देखिए खाना हमें क्या क्या देता है गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है ताकत मिलती है किस चीज के लिए एनर्जी और ताकत मिलती है हमें वर्क करने के लिए एंड प्ले करने के लिए काम करने के लिए और खेलने के लिए एनर्जी मिलती है फूड से ओके एंड ग्रो स्ट्रांग एंड हेल्थी और हम अच्छे से बड़े होते हैं ताकतवर बनते हैं और स्वस्थ रहते हैं स्ट्रांग का मतलब होता है बच्चा ताकतवर एंड हेल्थी का मतलब क्या होता है स्वस्थ रहना तो फूड को ईट करने से हम स्ट्रांग बनते हैं और स्वस्थ रहते हैं ताकतवर बनते हैं और हेल्थी रहते हैं ओके अब देखिए कीप्स डिजीज़ेस अवे और फूड ईट करने से क्या होता है हमारी जो डिजीज हैं हमारी जो बीमारियां हैं वो दूर रहती हैं अवे का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स दूर रहना और डिजीजेस का मतलब बीमारियां तो फूड को ईट करने से जो डिजीज है बीमारियां हैं हमसे दूर रहती हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अबाउट द काइंड ऑफ द फूड ओके गुड बाय